नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली उबाल मार रहा है। वहां पर केपीके से यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां से एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जैन सैलाब निकला और वे सब इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। अब ये जो केपीके है उसमें पीटीआई की सरकार है, जो कि इमरान खान वाली पार्टी है, और वहां पर जो हाल में सीएम है उसका नाम है अली अमीन गंडापुर। तो उसके नेतृत्व में बहुत ही बड़ी मात्रा में जनसैलाब इस्लामाबाद के डी चौक के ओर निकल चुका था, और उसके बाद कई सारी गतिविधियां हुई। उसमें बीच में एक बार गंडापुर को अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया, और साथ ही में उनका जो पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उसके ऊपर गंडापुर की एक स्पीच भी आई। तो इसी प्रकार से बहुत ही टू एंड फ्रो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और आईएसआई कॉन्स्टेंटली इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो जनसैलाब है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो इतना मैसिव है, संभवतः लाखों की संख्या में है। तो ये जो इतना बड़ा जनसैलाब है उसको रोकने के कई सारे अलग अलग पैतरे अपनाए गए, लेकिन फिर भी इन लोगों को रोकने में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस नाकामयाब रही। इन लोगों की जो मांग है वो बेसिकली इमरान खान को छोड़ने को लेकर है, और वे लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को तुरंत ही छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर जो केसेस लगे हैं उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई ये करने के लिए जरा भी तैयार नहीं। तो इसी के चलते जो पीटीआई समर्थक है और सामने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली काफी लंबे समय से क्लैश चल रहे हैं। ये जो इस्लामाबाद की तरफ उन लोगों ने मार्च किया था, वैसा मार्च पहले भी हो चुका है, लेकिन उस समय जो जनसैलाब था वो कंपैरेटिवली छोटा था, इस समय और भी बड़ा हो गया है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर ये जो पर्टिकुलर केपीके की सिचुएशन है उसको आइसोलेशन में देखें, तो संभवतः ये लग सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता, जो कि एक समय का क्रिकेटर भी था, अब बहुत ही फेमस क्रिकेटर पूरी दुनिया, उसको लेकर लोगों के दिलों में जो भावना है, जो पॉजिटिव फीलिंग है, उसके चलते लोग पीटीआई के जो करंट लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में वो लोग मार्च कर रहे हैं और इमरान खान को छुड़ाने की जो भी संभव कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ यहां पर सिमट कर नहीं रह जाता। तकरीबन 8 महीने पहले हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था यूएसए और ईरान के संदर्भ में, जहां पर हमने ये बताया था कि पाकिस्तान को तोड़ने का प्लानिंग चल रहा है और उसके लिए एक मैप भी जारी कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई सारे ऐसे कंट्रीज जिनको तोड़कर उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो मैप्स हैं, उनको रिवाइज करने का प्लान काफी लंबे समय से चला। वो जो मैप है उसका नाम है पीएनएसी, अगर आपको याद हो तो ये है वो मैप जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने की बात की गई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि पश्तूनिस्तान का जो विस्तार है, जो कि इंडस रिवर से दूसरी तरफ पड़ता है ईरान अफगानिस्तान की ओर, उसको पूरा ही पाकिस्तान से अलग करने का प्लानिंग चल रहा है। अब वो जो पर्टिकुलर बेल्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े समय पर बॉर्डर रीजन्स में, वजीरिस्तान में, नुस्की में और उन सब जगह पर अफगान फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी फोर्सेस की मुठभेड़ होती रहती है। उसी तरह से थोड़े थोड़े समय पर ईरान के साथ साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर, जो कि बलोचिस्तान और सिस्तान बलोचिस्तान की बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान, उन बॉर्डर पर भी दो कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में मुठभेड़ हो रही है। साथ ही में खैबर पख्तूनख्वा में ये एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके साथ टीटीपी भी वहां पर एक्टिव है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि ये बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान से सपोर्टेड है, तो वो भी वहां पर एक्टिव है और वो भी कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले करती जा रही है। साथ ही में बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, मजीद ब्रिगेड और ऐसे कई सारे अन्य छोटे बड़े ग्रुप्स हैं जो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और अपना भी खास करके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ऊपर समय दर समय हमले करते रहते हैं। इसी के साथ चाइनीज की जो प्रेजेंस है पाकिस्तान, उसमें भी खास करके वो जो पर्टिकुलर बलूचिस्तान का विस्तार है ग्वादर के आसपास, उसमें जो चाइनीज की प्रेजेंस है और वो जो पर्टिकुलर उनका सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक पूरा रास्ता निकलता है नॉर्थ पाकिस्तान से होकर ग्वादर तक, उसके ऊपर भी अलग अलग जगहों पर, चाहे वो तुर्बत हो, पंजगुर हो या ऐसे अलग अलग सिटीज में हमले होते रहे। तो एक तरफ बलूचिस्तान में से कॉन्स्टेंटली आर्म रेजिस्टेंस चल रहा है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और उसी के साथ
केपीके में एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ टीटीपी और ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टेंटली टारगेट करते आ रहे हैं, उनके बेसिस को भी टारगेट करते आ रहे हैं, और अभी तक कई सारे एस्टेब्लिशमेंट तबाह कर दिए हैं और साथ ही में कई सारे मिलिट्री और आईएसआई के लोगों को मार दिया है। उसी तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी कई सारे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अफसर मार दिए हैं। रिसेंटली एक कराची में अटैक हुआ था, कराची एयरपोर्ट में, अभी दो दिन पहले, जिसके विजुअल्स भी हमने अपने एक्स के हैंडल पर और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों ही जगह का, तो दोनों जगह जाकर जुड़े ताकि आपको अलग अलग विजुअल्स और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियोज यूजुअली थोड़े बाद में आते हैं ताकि हम लोग पूरी तरह से परिस्थितियों को समझ पाए, पूरी तरह से उसका जायजा ले पाए, और उसके बाद हम आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि सब्सटेंशियल हो, फैक्ट बेस्ड। तो इमीडिएटली अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही में ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस आते हैं, ये पर्टिकुलर जो पाकिस्तान का बॉल्कनाइजेशन है उसके ऊपर, और ये जो पीएनएसी का मैप उसके ऊपर, तो ये जो इंडस वैली के उस तरफ का रीजन है उसमें इस मैप में क्लियरली बताया गया है कि उसको पाकिस्तान से अलग। इसके बारे में हमने 8 महीने पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर जरूर देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी घटना है जिसके बेसिस पर हमने वो चीज कही थी। साथ ही यहाँ पर थोड़ा बहुत अपडेट वो पर्टिकुलर जो पीएनएसी का मैप है उसमें आया है। तो पाकिस्तान का जो बाकी बचा हुआ रीजन है जो ये पीएनएसी में दिखाया है उसमें एक पीओके पीओजे के भारत में आ जाएगा, ऐसी संभावना है। साथ ही सिंध में एक अलग रेजिस्टेंस चल रहा है पाकिस्तान से अलग होने का, जिसको लीड कर रही है जेएसएमएम नामक एक पॉलिटिकल संस्था, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है। फिर भी वो लोग समय दर समय कॉन्स्टेंटली ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मार्च निकालते रहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और आईएसआई के साथ हैं, ब्रेन वॉश हैं, या फिर वहां पर सेटल किए गए हैं, या फिर पाकिस्तानी पंजाब से आए हैं, तो ऐसे लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में हैं। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर सिंध का फ्रीडम मूवमेंट है वो उतना जोर नहीं पकड़ पा रहा है। साथ ही में अगर रिफर करें आदि अचिन जी को, तो उन्होंने सिंध और पंजाबी पाकिस्तान के बीच में एक सरायकिस्तान का एरिया है जिसको अलग करके दिखाया कि वो भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है, तो उसकी भी एक संभावना बताई जा रही है रिसेंट में, तो उसको भी हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं क्योंकि वो जो रीजन है उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में सभी जगहों पर कर, उसी तरह से इस जगह पर भी लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम वहां पर किया जाता है। तो उसी के चलते वो जो पर्टिकुलर सरायकिस्तान का एरिया है उसको भी आदि अचिन जी बता रहे हैं कि वो भी एक अलग हो सकता है। साथ ही में ये जो पर्टिकुलर साउथ में, साउथ ईस्ट में, जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर लगता है, सिंध का विस्तार है, उसमें भी एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। बलूचिस्तान में और केपीके में फ्रीडम मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। साथ ही में बलोच वेस्ट का सपोर्ट कोवर्टली मिलते जा रहा है। जी हाँ, वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है बलोच लोगों को, उसमें भी खास करके डॉक्टर मेहरंग बलोच जो है उसको वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है। अब वेस्ट में कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वही ताकत है जो पूरी दुनिया में इस प्रकार की गतिविधियां करवाने के लिए कुख्यात। जी, उन्हीं लोगों ने जिसने रिहाना को और मियां खलीफा को खड़ा किया था फार्मर प्रोटेस्ट के लिए पैसा देकर ट्वीट करने के, उन्हीं लोगों के द्वारा ग्रेटा थनबर्ग और कुछ अन्य लोगों को खड़ा किया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर बलोच लिबरेशन मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए, बाहर से उसको पुश करने के लिए, ताकि ये जो मूवमेंट है बलोच लिबरेशन का वो और भी स्ट्रांग हो जाए और बलोचिस्तान जल्द से जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाए। उसी के संदर्भ में रिसेंटली डॉक्टर मेहरंग बलोच कल कराची एयरपोर्ट से टाइम्स गाला के लिए न्यूयॉर्क जा रही, लेकिन उनको कराची एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और उनको न्यूयॉर्क नहीं जाने। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, आईएसआई और फोर्सेस कॉन्स्टेंटली लगी हुई है। साथ ही में बाहर की भी कुछ ताकतें हैं, सिर्फ एक यूएसए नहीं है, यूएसए बलूचिस्तान में एक्टिव है। उसी तरह से केपीके में बताया जा रहा है कि अफगान जो है वो काफी ही एक्टिव है, क्योंकि
वो जो पर्टिकुलर रीजन है जिसमें केपी के पूरा आ जाता है और साथ ही में नॉर्थ बलूचिस्तान के कुछ पार्ट आ जाते हैं, उन जगहों पर उस पर्टिकुलर बेल्ट पर पश्तूनों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जो लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं अफगान से, जो बॉर्डर की दूसरी तरफ रहते हैं, तो उन लोगों से भी रिलेटेड है। तो उसके चलते एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग उन लोगों के बीच में है, और वहां से अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान तालिबान से इन लोगों को कोवर्टली सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसी बात चल रही है। तो उसी के चलते वो जो पर्टिकुलर रीजन है वहां पर यूएसए भी एक्टिव है, साथ ही में अफगानिस्तान भी एक्टिव हुआ, ऐसी बातें बताई जा रही है। दूसरी तरफ से चाइना एक्टिव है क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे लगे हैं, चाहे वो सीपेक में हो चाहे वो ग्वादर में हो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसका लगा हुआ है। वो जैसे दूसरी कंट्रीज में करता है उसी तरह से पाकिस्तान से भी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और उसके लिए जो भी संभव चीजें हैं उसमें चाहे मिलिट्री के लोगों को भी क्यों ना भेजना पड़े, उन लोगों को भी धीरे धीरे करके पाकिस्तान में पुश कर रहा है। तो इसी के चलते बहुत सारी पार्टीज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो वहां पर इन्वॉल्व हैं। भारत का, आरएनएडब्ल्यू का कॉन्स्टेंटली वहां पर नाम बदनाम किया जाता है या फिर उनको फेमस किया जाता है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव ऐसी जगहें हैं, बहुत ही सिलेक्टिव ऐसी चीजें हैं जहां पर वे लोग एक्टिव हो सकते हैं, हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन कुछ गतिविधियां हैं जहां पर ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उसमें। जैसे कि जो अननोन गनमैन है उन लोगों के द्वारा जिनको टारगेट बनाकर मारा गया है, उसके चलते ये लगता है कि भारत भी पाकिस्तान में कुछ हद तक एक्टिव है। तो इसी के चलते पाकिस्तान में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, आईएसआई और फोर्सेस ने इस तरह से उस देश को एक लैंडमास को हीरा मंडी बना दिया है, ब्रॉथल बना दिया है, जो पैसे लेकर बिक जाता है, जो पैसे देकर जो भी कस्टमर कहे, जो भी उनके क्लाइंट कहे, उस पोजीशन में आ जाता है। हाल में वो चाइना के हाथ में है क्योंकि चाइना से उनको रीसेंट एड मिला है, और साथ ही में यूएसए से कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं जहां पर पाकिस्तान को तोड़ने की बात चल रही है, खास करके जो इंडस रिवर है उसके दूसरे तरफ का जो पूरा हिस्सा है उसको तोड़ने की बात चल रही है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूएसए के साथ काम करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए थोड़ा हेजिटेंट है, लेकिन एज अ होल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नथिंग मोर देन अ वसाल स्टेट, अ मिलिट्री स्टेट विच वॉज क्रिएटेड बाय वेस्टर्न पावर्स, और हाल में वेस्ट में सबसे पावरफुल है यूएसए। तो वो डिक्टेट कर रहा है पाकिस्तान को किस तरह से वहां पर गतिविधियां करनी चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए। साथ ही में वो लोग, ये जो बर्डन है हमारे हिसाब से यूएसए, ये जो पाकिस्तान में बर्डन बने हुए हैं केपीके का एरिया और साथ ही में ये बलूचिस्तान का एरिया, उसको अलग करने की गतिविधियां कर रहे हैं ताकि जो पैसा वो लोग पाकिस्तान आईएसआई एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस को दे रहे हैं वो पैसा प्योरली ऐसी गतिविधियों में यूज हो जो यूएसए के लिए बेनिफिशियल, और साथ ही में चाइना वहां पर ना घुस। तो इस प्रकार से वो जो पर्टिकुलर लैंडमार्क है वहां पर एक जियोपॉलिटिकल खेल अलग प्रकार का चल रहा है, और पाकिस्तान के टुकड़े करने की एक्टिविटीज और भी तेज हो गई है। तो आने वाले समय में संभव है कि 1 से 2 दशक के अंदर या फिर उसके पहले पाकिस्तान कई सारे टुकड़ों में बट जाए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज चल रही है उसके बारे में हमें कमेंट जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें और डिटेल्स अलग अलग कोनों से निकाल कर लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।